हेलो एस फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक आपने लेकर आया अंतिम अवसर सेल सिर्फ चार दिनों के लिए 27 28, 29 और तीस नवंबर 2022 जहां पर आपको सुपर कोचिंग के कोर्सेज पर मिलेगा 90 परसेंट तक का ऑफ और 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेस्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ रुपीज टू में तो जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए इससे पहले ये ऑफर गायब हो जाए मैं गायब हुआ हूं लेकिन ऑफर नहीं हेलो टेस्ट बुक आपने लेकर आया अंतिम अवसर सेल सिर्फ चार दिनों के लिए 27, 28, 29 और तीस नवंबर 2022 जहां पर आपको सुपर कोचिंग के कोर्सेज पर मिलेगा 90 परसेंट तक का ऑफ और 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेस्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ रुपीज टू में तो जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए इससे पहले ये ऑफर गायब हो जाए मैं गायब हुआ हूं लेकिन ऑफर नहीं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू टेस्ट बुक एंड दिस इज राधिका गुप्ता आई होप कि सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपना भी ध्यान यहाँ पर रख रहे होंगे तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आई रियली होप कि आप सभी लोग आ चुके हैं एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी से एक बार सभी जो भी नहीं जुड़ पाए हैं एक बार सेशन में जरूर जुड़ेंगे अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक क्लास को शेयर करके आएंगे ताकि आपकी क्लास जो है वो उन तक भी यहाँ पे पहुँच जाए ऑल राइट right. और इसी के साथ भाई जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज है अंतिम अवसर सेल का अंतिम दिन यानी कि मैम हमारे लिए जो बढ़िया होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है ये अंतिम अवसर जो है वो आप लोगों को मिल रहा है आज रात 12 बजे तक और आज रात 12 बजे तक अगर आप लोग चाहते हैं इस अवसर में इनरोल करना तो आप भी यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि आपके लिए ये एस बैंकिंग रेलवे तीनों की सुपर कोचिंग मात्र पंद्रह सौ में आपको दी जा रही है वो भी डिस्काउंट कूपन अगर आप लगाते हैं तो कंप्लीट ये जो डिस्काउंट आप देख पा रहे हो ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा राधिका कूपन कोड है इसे आप लोग अप्लाई करें और जैसे इसे अप्लाई करोगे आप लोगों के पास जो कंप्लीट डिस्काउंट है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट इज ये कंप्लीट तीनों ही सुपर कोचिंग्स आपको मिलने वाली है मात्र पंद्रह सौ अठहत्तर रुपए में जी हाँ तो अब आप लोग भी कर सकते हैं तैयारी और साथ में ये केवल एक दो तीन नहीं ये आपको मिल रहा है कंप्लीट मैम बारह महीनों के लिए यानी कि पूरे के पूरे बारह महीनों के लिए साथ में छह महीने की मिल रही है एक्स्ट्रा वेलिडिटी बोलो तो मैम डेढ़ साल के लिए हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पर होने वाला है अब हमारे पास तो जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं देखो एस है बैंकिंग है रेलवेज है इन सब के कंप्लीट कोर्सेज आपको एक दो सब्जेक्ट है इसमें सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड होंगे और उन सभी

ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपकी जो भी डाउट्स जो भी क्वेरीज जो भी दिक्कतें रहती हैं क्लास की पीडीएफ डी कहाँ मिलती है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ठीक है आपकी जो भी सेशंस की पीडीएफ होती है ना वो भी आपको मिल जाएंगी रेगुलर आपकी क्लास सुबह आठ बजे और शाम को पांच बजे रहती ही रहती है ऑल गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार राम राम राधे राधे आई होप कि सब आ चुके हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग चलो तो लगाया जाए तैयार हैं आप सभी आज के सेशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाए आपकी स्क्रीन पर ओके okay भाई अब जैसे तुम लोग समझ पा रहे होंगे कि मैम आज बात किसकी करने जा रही है कल से हमारा पेपर है कल सुबह हम लोग जाएंगे भाई बढ़िया से फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने और यहाँ पर जो आप लोग का क्विज रहने वाला है वो कुछ शांतिपूर्ण जैसे पर्यावरण से रिलेटेड आपका नेचर से रिलेटेड जो सवाल हैं उन्हें हम यहां पर करेंगे पोल्यूशन एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित सो इसीलिए ठंडे दिमाग से मतलब अब वो सारी टेंशन को एक तरफ हटा दो मानती हूं कि नर्वस हो ठीक है नर्वस होंगे सब होते हैं लाजमी है ये चीज होती है मैम जिन्होंने पढ़ा होता है ना उनको लगता है कि यार अब कुछ नहीं आता आज आखिरी दिन सबका दिमाग ब्लैंक हो जाता है पर जब आप जाओगे ना एग्जाम सेंटर पे तो वही आपको पता चलेगा सवाल देखकर कि अरे अरे सब कुछ तो पढ़ा हुआ है तो अब उस डर को उस दुविधा को दूर करें और सिर्फ एक पॉजिटिव माइंड के साथ आई होप कि सभी साथी यहाँ पर तैयार होंगे डिस्कशन को करने के लिए सवालों को यहाँ पर करने के लिए और घबराहट जो है भैया वो लाजमी है तो इसीलिए उसकी वजह से पैनिक मत करना होंगी चीजें होंगी बट लगाओ सवाल हिम्मत करके और बढ़िया से सेशन को शेयर करके आना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में कौन सी देखी जाती है विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं सनलाइट स्टोर्ड शुगर इन अ प्लांट हीट रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन या हीट जो आपके रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज होती हुई दिखाई देती है क्या देखा जाता है वट इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑल राइट चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और जो लेट आए हैं भैया ध्यान देना रोज सुबह क्लास यूं ही चलेगी अब चाहे एग्जाम तुम्हारा बारह तेरह डेली क्लास चलेगी सेम टाइम पर जिनका कल एग्जाम हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन जिनका आगे की शिफ्ट में है आप लोगों के लिए मैम बिल्कुल आपके साथ हैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन अपन यहीं पर करेंगे मेन सोर्स एनर्जी कहाँ से आ रही है किसी भी इको के अंदर किसी भी पारितंत्र के अंदर वो कोई और नहीं मैम वो हमारी सूर्य का प्रकाश हमारी सनलाइट जो है वो यहाँ पर देखी जाती है किसी भी पारितंत्र की जब आप बात करते हो आपको पता है कि अल्टीमेट ऊर्जा आ कहां से रही है वो बनाने वाला वो देने वाला वो कौन है वो सनलाइट देखी जाती है और यही सनलाइट अगर मैं आपसे पूछू कि भैया ये रहा एक प्लांट आपके पास ठीक है मैम ये हमारा सूरज चमक गया अब ये कितनी एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब करेगा जिससे ये फर्दर फोटोसिंथेसिस करा सके फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी ऊर्जा का परसेंटेज लिया जाता है जरा आंसर करना ऊर्जा तो है मैम बट ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है वो यहां पर लिया जाता है अब देखो थोड़े दिन सीरियस होके ना पढ़ लो अब एक घंटे चुपचाप पढ़ाई करेंगे जो कमेंट सेक्शन में तुम्हारे इर्द गिर्द की बातें है ना इधर उधर के सवाल जवाब सबके डाउट्स सबको राम राम है सबको गुड मॉर्निंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मैम हम क्वेश्चंस को कितने अच्छे से कर रहे हैं तो so, फोटो के लिए जो रेडिएशन आपकी सनलाइट से आ रही है वो मात्र दो से तीन ही होती है मतलब ओवरऑल एनर्जी आ रही है बट जो फोटो में हेल्प करती है दैट इज ओनली टू टू 3 of the complete radiation जो हो रही है 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 इसीलिए इसको कहा जाता बोलो क्या फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहने का मतलब इसी रेडिएशन के द्वारा क्या हो रहा है मैम हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है बात समझ पा रहे हो तो याद रखना ओवरऑल बाकी कहां जाएगी मैम दो से तीन परसेंट ने तो फोटो क्या होगी हीट की फॉर्म में बाहर की तरफ इवॉल्व हो जाएगी पर्यावरण में ही रिलीज हो जाती है हीट की फॉर्म में बिल्कुल सही सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए देखिए नेक्स्ट सवाल इकोसिस्टम में लार्जेस्ट नंबर किसका देखा जाता है इट इज दैट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर डिकम्पोजर सबसे बड़ी संख्या किसी पारितंत्र में किसकी देखी जाती है बहुत बढ़िया उसी जोश उसी ऊर्जा उसी एनर्जी के साथ सवालों को करना है बिल्कुल डर घबराहट सब मन से बाहर निकाल देनी है केवल और केवल पढ़ाई करनी है एक पारितंत्र में सबसे बड़ी बिल्कुल सही भाई लार्जेस्ट नंबर किसका है मैम देखो सबसे ज्यादा क्या है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखे जाते हैं जैसे कि आप बात करोगे तो मैम सबसे बेस पे हमारी जो घास है वो आएगी सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है फिर क्या आता है मैम फिर हमारे आते हैं कंज्यूमर्स जो हो गए तो प्रोड्यूसर्स हैं फिर कंज्यूमर्स हैं तो इस तरीके से सबसे ज्यादा नंबर किसका है वो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का देखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन जिन्होंने सही लगाया है बहुत बढ़िया बाकी तो ध्यान देंगे और सवालों के और उत्तर करेंगे चलो 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 गुड मॉर्निंग हो चुकी है अब जल्दी जल्दी से आंसर लगाएं यार तुम लोग मतलब कभी सीरियस हो जाया करो कभी सीरियसली आंसर कर दिया करो हैं केवल ध्यान यहाँ हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब करे होंगे तुमने फिर भी गलत करोगे आज कोई नया सवाल नहीं है बिल्कुल नहीं है लेकिन मैम सब हमने किया हुआ है हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि आपने कितना रिविजन किया है आपसे कह रहे हैं वट इज फार्मिंग अलॉन्ग विदिमल कॉल्ड एज अगर आप खेती भी कर रहे हो और पशुपालन भी कर रहे हो तो इन दोनों ही चीजों को साथ में करने को क्या कहा जाता है अब तुम दो काम साथ में करो तो तुम कह सकते हो ना कि मैं मिक्स वर्क कर रहा हूं तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है मिक्स फार्मिंग हो रही है मिश्रित खेती हो रही है आप फार्मिंग भी कर रहे हो आप साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पर कर रहे हैं यही चीजें एग्जाम सेंटर पर बैठ के अगर गड़बड़ करके आए अगर तुम नेगेटिव लगा के आए क्या मसला रह जाएगा इतना पढ़ने का इतनी सुबह रोज ठंड में आठ बजे उठने का यही याद रखना है इन्हीं को करना था रिवाइज इसी के लिए बोला था भैया मॉक टेस्ट जरूर लगा लो है ना अगर अभी भी नहीं लगाया ना तो आज एक काम कर लेना आज एक से दो मॉक टेस्ट लगा लेना सिर्फ एक से दो मॉक टेस्ट लगा लेना ज्यादा नहीं बस इतना काम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल इरोजन कैन बी चेक आउट बाय ग्रेजिंग मोर एंड मोर बाय रिमूवल ऑफ प्लांट बाय बाईस्टेशन या फिर बाय इंक्रीज पॉपुलेशन बाय इंक्रीज पॉपुलेशन बताओ किसके द्वारा आप सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं ऑल राइट सॉइल इरोजन कैन बी चेक बाय आप इसे कह सकते हो कंट्रोल भी करना है ना बेसिकली आप कंट्रोल भी यहां पर कह सकते हो चेक करना हो कंट्रोल करना हो तो किसके द्वारा करेंगे मैम अब सॉइल इरोजन हो रहा है मैं ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ों को लगाऊंगी इ फॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा करूंगी तो ऑब्वियस है वो सॉइल इरोजन मेरा रुक जाएगा कंट्रोल हो जाएगा जैसे कि पेड़ों की कटाई होती है उसको हम नाम देते हैं डिफॉरेस्टेशन ठीक है पेड़ों की कटाई को ऐसे ही पेड़ों को लगाने को कहा जाता है ए फॉरेस्टेशन तो जब भी कहीं पे सॉइल इरोशन बहुत ज्यादा हो रही हो आप वहां पर क्या काम करोगे आप वहां पर करोगे ए फॉरेस्टेशन मतलब आप जाओगे पेड़ों को लगाओगे बढ़िया तरीके से वहां की क्वालिटी क्या हो जाएगी और इनहेंस हो जाएगी सॉइल जो इरोड हो रही है वो आपकी रुक जाएगी वहां पर बोलो जी क्लियर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन देखिए अगला टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर पारितंत्र के दो घटक कौन से हैं यहां पर हर्ब एंड श्रब बायोटिक और एबायोटिक फ्रॉग और ह्यूमन या प्लांट एंड एनिमल या फिर प्लांट एंड एनिमल What are the वट आर द टू फैक्टर्स जैसे आप कहोगे All right, जल्दी जल्दी आंसर करें हर्ब और श्रब प्लांट के टाइप आप कह सकते हो कि मैम एक पौधा है वो उग रहा है या छोटी सी जड़ी बूटी पहले बनी ये छोटी सी जैसे आप कहोगे ग्रोथ हुई है तो पहले हर्ब बना फिर उसकी हाइट बढ़ी हुई तो वो श्रब बन गया फिर वो एक प्लांट बन के तैयार हो गया फिर आप उसको और बड़ा हुआ तो आपने कहा मैडम ये तो बड़ा होकर के बिल्कुल ट्री बन गया है तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं लेकिन आपसे जब घटक की बात करेगा तो दो मुख्य घटक होते हैं जिन्हें हम ए बायोटिक या बायोटिक कह रहे हैं क्या है ये दोनों तो मैम हम स्टार्टिंग से यही चीज पढ़ते आए हैं कि बायोटिक का मतलब लिविंग और ए का मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स जितने भी होंगे

कोई कह रहा है प्लांट और एनिमल है ना बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम लोग है ना ऐसे ही नाम रोशन करके आओगे द रिसोर्स विच आर ऑपटेन फ्रॉम बायोस्फेर एंड दे हैव लाइफ आर रिन्यूएबल पोटेंशियल बायोटिक या ईस्टर्न घाट क्विकली विच आर ऑपटेन फ्रॉम बायोस्फेयर या दे हैव लाइफ उन्हें क्या नाम दिया जाता है सिंपल है जो बायोस्फीयर से मिल रहे हैं जिनमें लाइफ है फैक्टर क्या है क्वेश्चन समझने का दे हैव लाइफ उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं मैं कहती है, जिनके अंदर लाइफ नहीं है तो आप कहते कि मैम वो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है वो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स यहां पर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो कि मैम ये सवाल तो हमने बढ़िया तरीके से कर लिए थे फिर भी हम गलत कर रहे हैं इधर इधर ध्यान ध्यान दो दो जरा जरा सवालों सवालों पे पे है ना आज केवल फोकस जरा सवालों पे। कभी कभी वार्तालाप बंद भी कर दिया करो ये चैट बॉक्स को थोड़ा लेकिन जो है वो, के अलावा बाकी की बातों में भरा पड़ा रहता है अदर नेम ऑफ रेंज लेसर हिमालय शिवालिक वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट क्या आंसर होगा क्या आंसर हो जाएगा वेरी गुड अभी पूछा है दो चार दो साल पहले पूछा है ये सवाल दोबारा से सहरी रेंज का दूसरा नाम क्या है इसको वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है ज्योग्राफी में बढ़िया घोट के पिया होगा ये सवाल तुमने झूठे फल का उदाहरण बताइए वॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट एप्पल ग्वावा मैंगो या टोमेटो कौन सा है फॉल्स फ्रूट क्या कह रहे हैं ये मतलब चलो ओके सही सही बिल्कुल सही फॉल्स फ्रूट कह रहे हैं ना फॉल्स फ्रूट अच्छा एक बात बताओ ये फॉल्स का मतलब क्या है आखिर ये फॉल्स झूठा क्यों कह रहे हैं क्या वो कटा हुआ है क्या वो किसी ने खा लिया है या कुछ और बात है फॉल्स फ्रूट कह लो एसेसरी फ्रूट कह लो ठीक है ये आंसर हो जाएगा आपका एप्पल अब एप्पल में ऐसा क्या है जो इसे फॉल्स फ्रूट कहा जा रहा है फॉल्स कहेंगे या इसको एसेसरी फ्रूट कहते हैं एक्चुअली में जब इसकी ग्रोथ आप लोग देखते हैं तो ये ओवरी से ना होके ओवरी से ना होके किससे हो रही है आउटर पार्ट ऑफ कार्पल मतलब बाकी कोई भी हिस्सा होगा लेकिन ओवरी जो है वो यूज में नहीं आएगी तब आप उसे कहते हैं, कि, fruit. Fruit वो होते हैं जो एक्चुअली ओवरी से ही आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सो आई होप की बात समझ में आ रही होगी हाँ आप कह सकते हो कुछ भी जो भी फ्लैश है ना वो ओवरी से नहीं आ रही है आपने जो सेब खाया सेब के अंदर एक्चुअली जो फ्रूट है वो ओवरी से नहीं आ रहा वो आउटर पार्ट से आपका देखा जा रहा है जितने भी एडजस्टेंट आस पास के टिश्यूज होंगे वहां से आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है सेब हो गया ठीक है नाशपाती सुने हो खीरा सुने हो ये सब उदाहरण किसके हैं ये सब आपके फॉल्स फ्रूट यहाँ पर कहे जाते हैं कुकुम्बर हो गया ठीक है पियर हो गया ये सब किसके उदाहरण हैं झूठे फल के उदाहरण हैं ये प्रोसेस अलग है याद रखना एक और प्रोसेस यहाँ पे पूछा जाता है जनरली कि पार्थिनोकार्पी क्या है पार्थिनोकार्पी में डेवलपमेंट बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो हुआ है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन देखा जा रहा है किसके बिना फर्टिलाइजेशन के बिना तो ये दोनों ही डेफिनेशन में जो अंतर है यू नीड टू जस्ट चेक ऑन कि मैम पूछ क्या रहा है किस हिसाब से पूछ रहा है फर्स्ट फ्रूट पूछेगा एसेसरी फ्रूट पूछेगा तो वहाँ ओवरी से ना बन के दूसरी जगह से बन रहा है लेकिन अगर पार्थिनोकार्पिक फल कहे इसका मतलब कि बिना फर्टिल निषेचन नहीं हो रहा वहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो देखा जा रहा है करेक्ट है बताइए विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ लाइकेन्स एंड मॉसेस बताओ बताओ फटाफट से करो आंसर हाँ मतलब हम तो यहाँ सुबह सात बजे आठ बजे ऐसे ही थोड़ी ना उठ जाते हैं ना मैम डेडिकेशन होना चाहिए शिद्दत होनी चाहिए कि भाई उठ के सवाल करने हैं पढ़ना है पढ़ाना है शिद्दत जहाँ आ गई वहाँ तो देखो कोई काम लेट नहीं होता बहुत अच्छे कौन से फॉरेस्ट बिल्कुल सही अब इधर ना थोड़ा सा जो गलत किए हैं जरा इधर ध्यान देंगे कि मैम टूंड्रा फॉरेस्ट होते हैं कौन से टूड्रा फॉरेस्ट यहां पर कहे जाते हैं विच मेजरली कंप्राइज ऑफ लाइकेन्स और, और मॉसेस ये दोनों ही चीजें जो होंगी वो यहां पर मुख्य तौर पे आपकी पाई जाती है आपको पता ही है लाइकेन क्या होती है वो एसोसिएशन होता है शैवाल का और कवक का फंगस का और ऐसे ही अगर मैं मॉस मॉस की बात करूं तो ये जो है वो मेजरली दिखाई देते हैं मैम ब्रायोफाइटा फाइलम के अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर आपको मॉसेस जो है इनकी कैटेगरी इनकी ग्रोथ दिखाई देती है प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइटा इन्हीं ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्या कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो नाम अगर पूछा जाए कि वॉट आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस तो भैया आपको पता होना चाहिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्लियर इनके अंदर लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज की अभी भी उपस्थिति नहीं होती ब्रायोफाइटा में नहीं होती है अगला सवाल कह रहा है लार्जेस्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड का कौन सा हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी करो आंसर विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है क्लास देखिए आपकी डेली होती है हो, और डेली होगी ये नहीं कि मैम कल एग्जाम शुरू हो जाएगा तो क्लास नहीं होगी क्लास का समय जो है वो सेम है आप लोग का रोज सुबह आठ बजे से नौ बजे तक और शाम को ना पांच से छ फाइव टू सिक्स पीएम अभी जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं एस एस की उनकी बैच जो है वो शाम को पांच से छ बजे तक आप लोग की चल रही है और सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र है बिल्कुल सही जंगल या फॉरेस्ट नहीं कहोगे दैट डू सी यानी समुद्र जिसे आप य पर कह रहे हो बोलो बात क्लियर बिल्कुल सही अगला सवाल देखिए मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट या सी अब इनमें से सबसे स्थिर पारितंत्र कौन सा है विच इज दोस्ट स्टेबल नहीं कर लो तुम लोग है ना बस ध्यान यहां मत देना गलतियां तो तुम यहां भी कर रहे हो क्या फर्क क्या पड़ रहा है फिर ये बताओ विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम मैम सबसे बड़ा अगर वही है तो स्टेबल भी तो वही होगा दैट इज ऑल्सो समुद्र वो भी हमारा सागर सी यही देखा जाएगा क्या है मोस्ट स्टेबल स्टेबल भी है और जैसा कि हमने बात करी ये यहां पर लार्जेस्ट भी हो जाएगा देखो आज किसी का सवाल गलत हो रहा हो ना बिल्कुल हिम्मत मत हारना कोई बात नहीं गलतियां होती हैं थोड़ी बहुत होंगी हो जाने दो होनी भी जरूरी है लेकिन हाँ दिन भर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ एक पॉजिटिव आपकी एनर्जी जो है वो रहनी चाहिए ये नहीं कि घबरा के बैठे हैं डर के बैठे हैं कल जाना है एग्जाम देना है सो जस्ट कीप काम एंड इसके साथ धीरे धीरे करके अपने केवल और केवल पॉजिटिव अप्रोच से सवालों को अगर करना चाहते हो तो ठीक है नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि मैम आज सवाल नहीं हो रहा देखो मैं नहीं जा रहा पेपर देने ये थॉट नहीं आना चाहिए यही ऐसी चीजें होती है जो आपको करे कराए पे पानी फेर देती हैं जो कहते हैं ना कि मैम पढ़ा भी था तैयारी भी करी थी रुक गए लास्ट मोमेंट पे नहीं गए सो सिर्फ ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो अपनी सोच जो है वो सकारात्मक रख सकते हैं सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज कहाँ है न्यू डेली इलाहाबाद करनाल या बेंगलोर सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज कहाँ है कहाँ है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर हर जा, हर चीज़ नई दिल्ली में थोड़ी होती है मतलब घूम फिर के आगे दिल्ली मैम सब कुछ दिल्ली में है अरे बाबा दिल्ली है ठीक है लेकिन बेंगलोर में जो है वो आपका इकोलॉजिकल साइंसेज का जो सेंटर बना हुआ है वो यहाँ पर हो जाएगा देखो अगला सवाल देखो अ फूड चेन प्रोड्यूसर ओनली प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं केवल सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं या प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों ही देखे जाते हैं तो किसी भी फूड चेन के अंदर क्या चीज देखी जाएगी इसको करो मैन के ऊपर अ फूड चेन मैन इज तब थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाएगा एक खाद्य श्रृंखला में आदमी क्या है ठीक है मानव जो है वो क्या है मानव क्या है ये पूछा जा रहा है

देखी जा रही है तुम तो आदमी को मानव को कभी भी केवल प्राइमरी या केवल सेकेंडरी पे नहीं रख सकते केवल इस पर नहीं रख सकते ठीक है अगला दस परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी जो था वो किसने दिया था लिनमैन स्टैनले टेंसले टें वीज या फिर वीजमैन बताओ जरा जल्दी से आंसर करो हाँ भाई किसने दिया था दस परसेंट का नियम इतनी बार बताया है ये सवाल तुम्हें क्लास में कई बार इसका डिस्कशन हुआ है चलो चलो जिसका सेंटर जहां भी आया हो आपने केवल फोकस करना है कि भैया आपको एग्जाम देने जाना है छोड़ना नहीं है सेंटर चाहे कहीं भी हो जब तैयारी करी है वैकेंसी बहुत बढ़िया है जाइए एग्जाम दीजिए ये चांस मिस नहीं होना चाहिए कि 10 परसेंट एनर्जी लॉ किसने दिया था मैम लिनमैन साहब ने यहां पर दिया था जो क्या कहता है जो ये कहता है कि भैया तुम एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से जब अगले वाले ट्रॉफिक लेवल में जाते हो अगली वाली श्रंखला पर जाते हो तो 10 परसेंट की दस जूल रह जाएगी यहां पर एक जूल रह जाएगी समझ आ रही है तो दस जो है वो ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई हमें दे रहा है आई होप दिस इज क्लियर बिल्कुल ने दिया था हाइड्रोफाइट्स क्या है कोई जानवर है कोई एक्वाटिक प्लांट है कोई प्लांट डिजीज है या फिर कोई रूटलेस प्लांट यहां पर हो जाएगा करो जल्दी जल्दी से ओके हाइड्रोफाइट्स आर एनिमल इन द सी एक्वेटिक प्लांट प्लांट डिजीज या फिर कोई रूटलेस प्लांट यहाँ पर ये यह कहा जाता है और जल्दी से देखो आप लोगों के लिए सुबह हो चाहे रात हो पूरी टीम लगी हुई है बढ़िया तरीके से मेहनत करने में सीजीएल के बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस को बनाने में चाहे आपका साइंस हो मैथ्स हो रीजनिंग हो जीके जीएस हो लेकिन आप लोग भी इस काम को जरूर करेंगे कि मैम सेशन को सभी शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे जो अभी तक नहीं कर पाए हैं और जो लाइक वाला बटन नहीं दबाए हैं अगर चीजें समझ आ रही है ना ये तुम्हारी बातों से हट के चीजें क्लियर हो रही है ना ये देखो बस बातें मैम फोकस यही बनना चाहिए तो अगर क्लियर हो रही हैं तो अंगूठे वाला बटन दबाओ फटाफट से और पहुंचा कर एक बार क्लास को। एक बार प्लांट्स हाइड्रोफाइट हाइड्रो मतलब मैम किसकी बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं पानी की और ये किस में होते हैं पानी के अंदर देखे जाने वाले छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर लोअर बेस पे बात कर रही हूँ तो किसी भी पानी के अंदर जो आपको बेस पे दिखते हैं उन्हें आप फाइटो प्लैंगिशे आती हैं छोटी छोटी कुछ मछलियां आती हैं ठीक है फिर कुछ बड़ी बड़ी लार्ज फिशेज जो हैं वो आती हुई दिखाई देती हैं तो ऐसे करके आपकी जो फूड चेन है वो यहाँ पर पानी में बनती हुई दिखाई देती है आंसर इज एक्वेटिक प्लांट करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इको ईको मार्क जो है ये किसी इंडियन प्रोडक्ट को दिया गया था विच इज रिच इन प्रोटीन एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिकली वायबल या प्योर एंड अनुट्रेटेड इको चिन्ह किसी भी भारतीय उत्पाद को कब दिया जाता है ईको चिन्ह इको मार्क कब दिया जाता है जो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर इको मार्क लगा हुआ है चलिए बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सबको ओके 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 करेक्ट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ना उन्हीं को ये इको चिन्ह जो है वो दिया जाता है एनवायरमेंट फ्रेंडली जो होते हैं मतलब जो पोल्यूशन ज्यादा ना करें विचार इको फ्रेंडली कह लो एनवायरमेंट फ्रेंडली कह लो उनको ये जो इको मार्क है ये टैग आप लोग यहां पर देते हैं ऐसे नहीं मैम उसमें प्रोटीन बहुत था तो हमने उसे इको मार्क दे दिया नहीं देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मणिपुर कोलमपुर बिलासपुर या फिर मैम या फिर डिस्पु जल्दी से वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क और अगर आपको पता है कहाँ है तो इसका नाम जरूर बताइएगा कि कौन सा यहाँ पर हो जाएगा देखिए कौन लगा रहा है सही उत्तर स्पीड के साथ बहुत अच्छी बिल्कुल सही भाई कहा हो जाएगा मणिपुर के अंदर आपका देखा जाता है जो वर्ल्ड का केवल अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है नाम क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा करेक्ट नेक्स्ट है वन महोत्सव किससे संबंधित है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट प्लांटिंग ट्रीज इंक्रीज़ इन क्रॉप या कटिंग ट्रीज वन महोत्सव किससे संबंधित देखा जा रहा है वन महोत्सव किससे संबंधित है क्या बात है मतलब आज जोश बड़ा सही लग रहा है मैम है ना आज तो सारे सवाल सही करके मानूंगा ओके okay. नहीं कटिंग नहीं होता वन महोत्सव के तहत आप क्या करते हो उस वन महोत्सव के अंदर आप जाकर के पेड़ों को लगाते हो वृक्षारोपण करते हो पेड़ लगाना प्लांटिंग ट्रीज ये काम किया जाता है काटते नहीं है कटिंग करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है और पेड़ों को लगाने के लिए एक और टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरेस्टेशन ठीक है आप पेड़ों को क्या कर रहे हो लगा रहे हो कटाई कर रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन देखो अगला साइनाइड विषाखता जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसकी वजह से कुछ सेकंड्स में मृत्यु हो जाती है क्यों होता है इट लाइसिस इन रेड रेड ठीक है इट इसको ब्लड सेल करो पहले ठीक है ये लाइसिस कर देता है इनका ब्रेक डाउन करता है इट डी नेचर्स इनजाइम ऑफ द हार्ट मसल या फिर ये कार्डियक अरेस्ट कराएगा या इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है किसकी वजह से साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है सुबह के बज चुके हैं साढ़े आठ और जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे सभी साथी है ना जो भी अभी तक क्लास को पहुंचा के नहीं आए देखो भैया आज है बढ़िया से लग जाओ कल तो वैसे भी एनालिसिस में पता चल ही जाएगा कि कितना पानी है आप लोगों के मतलब सवालों का कितना बढ़िया करके आप आ रहे हो और कितना टफ आपका जो पेपर है वो आने वाला है हालांकि क्योंकि कहा जा रहा है वैकेंसी ज्यादा है ठीक है इतना नहीं होगा घबराओ मत चीजें सही ही होंगी क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है एग्जामिनर कितना भी टफ बना ले अगर तुम पढ़ के जा रहे हो अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है ना तो मजा आ ल कि तुम्हें पेपर टफ लग जाए फिर जो तो तुम टॉप कर दोगे बस इतनी सी बात है खुद पे तो ट्रस्ट करे अगर इंसान को खुद पे भरोसा है ना तो वो किसी भी रुकावट के आगे खुद डट कर खड़ा हो सकता है किसी की जरूरत नहीं होगी उसे लेकिन अगर तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है यार मैंने ही नहीं पढ़ाई करी तो फिर मैं किस पे भरोसा करूँ जैसे कि साइनाइट पॉइज है ये क्या करवाती है इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कराती है जिसकी वजह से सेकंड्स में डेथ हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं आपकी प्रोसेस फंक्शनिंग चल रही है वही चीज यहां पर क्या हो जाती है आपकी जो चेन रिएक्शन की होती है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाती है दैट विल लीड टू डेथ विद इन सेकेंड अगला विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया कौन सा यहाँ पर सबसे पहला नेशनल पार्क बना था इंडिया में बताओ भाई जल्दी से ये सब पूछे हुए सवाल हैं जो एसएससी के बड़े प्यारे प्यारे से फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं करेक्ट 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 ये देखो जरा ये कहाँ से पेरियार पे पहुँच गए भैया जब कॉर्बेट बाबा सामने हैं तो फिर तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं कि मैम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला पूछ रहा है विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क जो बना था वो हमारा कोई और नहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क बनता हुआ दिखाई दिया था बहकना नहीं छोड़ेंगे निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा बायोस्फेयर रिजर्व है विच इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फेयर रिजर्व ऑफ इंडिया आज सिर्फ सवालों पर ध्यान होगा आज कोई बातें नहीं होंगी है ना फिर कहोगे मैम आप गुस्सा ना करो हैं विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश इन इंडिया वो तो कॉर्बेट था लेकिन कौन सा लार्जेस्ट बायोस्फेयर रिजर्व हो जाएगा बिल्कुल सही भाई सुंदरबन करेक्ट सुंदरबन जो है वो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है सुंदरबन हमारा पहला पहला कह लो लार्जेस्ट कह लो बायोस्टर रिजर्व जो है वो यहाँ पर कहा जाता है अगला सवाल है कि परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी भारतीय वन नीति के अनुसार वन के अंतर्गत आने वाले भूमि क्षेत्र का प्रतिशत कितना देखा जाता है फोर्टी थ्री परसेंट ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री या थर्टीन परसेंट या फिर थर्टीन परसेंट कितना लैंड एरिया आपके इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कवर किया गया है अंडर द फॉरेस्ट दैट इज थर्टी थ्री परसेंट है ना बिल्कुल सही तेईस नहीं तेईस नहीं बेटा तो को याद रखना तेतीस परसेंट करीबन जो है वो आपके फॉरेस्ट के अंडर में देखा गया है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया देखा जाता है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग आपका उष्म कटिबंधीय वर्षावन देखने को मिल रहा है बहुत सही नौ परसेंट सात परसेंट दस परसेंट या बीस परसेंट टफ टफ कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं तो मतलब हर चीज आउट ऑफ सिलेबस लगने लगी है ना जहां थोड़ा सवाल घूम जाए वहां आउट ऑफ सिलेबस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंडर कितना आ रहा है करीबन करीब सात परसेंट जो है वो देखा जाता है अगला देखो हाँ अभी सिंपल सवाल पूछ लो कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है लार्जेस्ट बोन कौन सी है मैम बड़े खुश हैं हम है ना हमें मतलब ही नहीं है दीन दुनिया से वही सवाल चाहिए हमें अरे कितनी बार भाई देखो अगला सवाल देखो वह पुस्तक जिसमें पौधों की जानकारी होती है वो कौन सी किताब कहलाती है द बुक विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड एज ग्रीन बुक ब्लू बुक येल्लो बुक या रेड बुक उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे वो कौन सी किताब कहलाई जाती है राइट right. ग्रीन बुक होगी ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए हो अगर कोई कह रहा है कि मैम पौधे हैं हरे रंग के हैं तो हरी किताब होगी इसकी नहीं भैया ये होती है लाल किताब रेड डेटा बुक जिसको हम नाम देते हैं दैट इज रेड बुक इसके अंदर आपको हर प्लांट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दैट इज योर रेड बुक ये वो लाल किताब नहीं है ये वो वाली लाल किताब नहीं है जो तुम्हारी भविष्य की कुंडली बताए ये वो लाल किताब है जहाँ पौधों की इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी मिल जाती है और एक चीज और याद रखना इन सभी पौधों के नामकरण के लिए जो कमीशन बनाया गया था आई इंटरनेशनल कमीशन फॉर बुटेनिकल नॉमन अगर पूछ लिया जाए तो भैया आपको याद होना चाहिए और एक था आई सी जेड एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर जोलॉजिकल नॉमन क्लेचर ये जितने भी जानवर हैं जितने भी एनिमल्स हैं इनके लिए बनाया गया था यहाँ पर एक सवाल और है कि एक किताब ऐसी थी जो कि थियोफ्रेस्टस साहब ने सबसे पहले बनाई थी कोई आंसर करेगा को थियोफ्रेस्टस जो कि फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं जो जीव विज्ञान इसके वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं ही इज द फादर ऑफ बॉटनी इन्होंने भी एक बुक लिखी थी उस बुक का नाम कौन बताने वाला है सब भूले सब भूल चुके हैं मैम हम है ना आज तो वैसे ही बड़ा घबराहट बड़ी डर है क्या नाम देते दे? देखो एक अरस्तु साहब ने बनाई थी एक उन्होंने लिखी थी और एक लिखी थी थियोफ्रेस्टस साहब ने अरस्तु साहब ने लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम क्योंकि उन्होंने जितने भी आपके एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं उनके बारे में डिस्कवरी करी थी इन्होंने पौधों के बारे में करी थी तो इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लान्टरम हिस्टोरिया प्लान्टरम नाम याद रखना ये प्ला, प्लांट प्लांट्स के ऊपर थी तो प्लांटेरम हो जाएगी वो वाली हिस्टोरिया एनिमेलियम थी जिसको अरस्तु साहब ने अरेस्टोटल साहब ने बनाया था जिसको हम जनक कहते हैं बायोलॉजी का भी और जूलॉजी का भी इन्होंने जो बुक बनाई थी दैट इज हिस्टोरिया एनिमेलियम में क्या रखा है मैम पढ़ो तो जानो है नाम में सब कुछ है नाम ही नहीं अगर आया ना तो एग्जाम में सारे सवाल वही गलत हिस्टोरिया एनिमेलियम और हिस्टोरिया प्लांटेरम और कौन से कमीशन से नामकरण हुआ आईसी एन इंटरनेशनल कमीशन इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बायोलॉजिकल बोटेनिकल नॉम्क्लेचर अगला निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी है विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड पिजन हाउस पैरो हमिंग बर्ड या पैरट सबसे छोटा पक्षी पूछा है बाबा एस एस सी पूछ रहा है बताइए ठीक है ठीक ठीक है, थीक है, चलो स्मॉलेस्ट बर्ड दैट इज नॉट पिजन वो आपकी हमिंग बर्ड यहाँ पर हो जाती है कौन सी है हमिंग बर्ड यहाँ पर सबसे छोटी बर्ड कही जाती है बिल्कुल भैया टॉलेस्ट पूछेगा शुतुरमुर्ग हो गई हेवीएस्ट जिसको कहते हैं वो शुतुरमुर्ग होगी ऑस्ट्रिच होगी छोटी पूछ रहा है हमिंग बर्ड हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जरा यहाँ पर आपसे कह रहा है वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट फ्रिटिकम एस्टिवम और आइजा सटाइवा फेजियोलस मोंगो या पाइसम सटाइवम चलो जल्दी से बताओ साइंटिफिक नेम ऑफ वीट घूम फिर के गेहूं का प्याज का ठीक है चावल का इनके तो पूछ ही लिए जाते हैं करेक्ट 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 बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई जो है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा ये किसकी है मैम गेहूं का साइंटिफिक नाम है और की बात करें तो आप लोगों ने चावल के बारे में पढ़ा है ये चावल का नाम हो गया पेजियोलस मूंगो जो मूंग की दाल खाते हो ये मूंग की दाल हो गई पाइसम सटाइवम क्या है ये मटर का साइंटिफिक नाम देखा जाता है प्याज का पूछ ले एलियम सीपा का नाम याद रखेंगे एलियम सीपा किसके बारे में है अनियन के बारे में अगर आपसे कह दे कि भैया आलू का क्या है तो सुलेनम, सुलेनम किसके बारे में है पोटैटो के बारे में अगर तुमसे कह दे टमाटर यूजुअली टमाटो के बारे में आ जाता है वो है लाइकोपर्सिकम एसक्यूलेंटम ठीक है एम एसक्यूलेंटम बोलो जी बात आ रही है समझ में ऐसे ही आपका टोमेटो और पोटैटो को मिला करके एक हाइब्रिड भी बनाया था जिसका नाम था पोमैटो पोटैटो प्लस टोमेटो मिला करके इसका जो हाइब्रिड बना था दोनों की क्वालिटी इसके अंदर इमेड करके पोमेटो नाम से बनाया गया था ठीक है तो टोमेटो का हो गया कुछ इस प्रकार से आलू का हो गया सुलेनम मिलुंजोना ब्रिंजल का हो जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है एटलीस्ट इनको तो याद करके जाओगे सब थोड़ी छोड़ के जाएंगे का आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हो स्क्रीन ले सकते हो बाकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे हाँ हाँ क्लास होती है रोज और देखो क्लास होगी डेली सुबह के आठ से नौ जिसका भी एग्जाम कल है परसों है डेली आपका एग्जाम जब तक सीजीएल कवर नहीं हो जाता सुबह आठ से नो आपकी क्लास रोज रहेगी प्लस जीडी वालों की क्लास जो है वो शाम को पांच बजे से छह बजे तक आपकी रहती है टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी काहे इतनी दिक्कत लेते हो टेलीग्राम का नाम है राधिका मैम टेक्स बुक जो भी सेशन के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था वहीं पर आपकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज एज पेशेंट डेफ या कलर ब्लाइंड ये महारानी विक्टोरिया जो थी किस बीमारी से ये पीड़ित थी क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड जल्दी जल्दी से कोई बात नहीं देखो चीजें अगर गलत हो रही हैं चौके ये चीजें होंगी और होने दो द पॉइंट इज कि मैम हमें सीखने को मिल रहा है कभी भी गलतियों से ना ये रिग्रेट करके मत बैठो कि हो मुझे तो कुछ नहीं आता मैं कैसे करूंगा अरे जो तुमने नहीं आता तुम्हें वो सीखने को ही तो यहाँ पर बैठे हो तुम तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है उसको याद रखें उन चीजों को ध्यान दें कि महारानी विक्टोरिया क्या थी हीमोफिलिक पेशेंट थी हीमोफिलिया नाम की बीमारी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है सेक्स लिंग जेनेटिक डिसऑर्डर इसे कहा जाता है और इसी के तहत उनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो गई थी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं था एक जरा से कट पे उनकी मृत्यु भी हो सकती है जिस पेशेंट को हिमोफीलिया होता है इनके अंदर हुआ सबसे पहले फिर इनके बेटे में हुआ फिर उनकी बेटी में हुआ फिर उनके बेटे में हुआ, बेटे में हुआ। इस तरीके से क्रिस क्रॉस इसको यहाँ पर कहते हैं कि जनरेशन में ये बदलता हुआ दिखाई देता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का नाम इसको दिया जाता है अगर आपसे कह दे कि भैया ये तो चलो ठीक है अगर रॉयल डिजीज के बारे में क्योंकि महारानी थी भैया शाही थी तो शाही बीमारी लेकर के बैठे रॉयल डिजीज खून जो है वो रुकता नहीं था तो ब्लीडिंग होती थी इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जाना गया मेनली क्वेश्चंस जो है वो कुछ अलग अलग नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑल राइट वॉट कॉम्बिनेशन ऑफ पेटर्नल क्रोमोजोम इन अ फीमेल किस कॉम्बिनेशन से फीमेल बनती हुई दिख रही है आता तो सब है, है ना कॉन्फिडेंस तो मैम पूरा है चलो ऑल राइट वेरी गुड करिए करिए सभी आंसर करो जल्दी जल्दी से सिंपल सी कहानी है फीमेल के लिए कौन से का यूज़ करते ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल देखो आपसे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियो के अंदर क्या होगा केवल स्टोन है दोनों है केवल डीएनए है दोनों डीएनए एंड आर पाए जाएंगे वॉट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोज़ोम बस यही चीजें थी जो हमें रखनी थी याद मैडम बिल्कुल सही न्यूक्लियोजोम के अंदर दोनों चीजें होती एक्चुअली ये बनता ही तब है जब आपका एक डीएनए किसके ऊपर लिपट जाएगा ये डीएनए जाकर के हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड अप कर जाएगा और जैसे ही इसकी बाइंडिंग हुई कि मेरे पास ये हिस्टोन का प्रोटीन था इसके ऊपर जाकर के ये कुछ इस प्रकार से बाइंड अप हो गया है और आपका ज्यादा से ज्यादा जो कॉइलिंग होगी उसको हम न्यूक्लियोजोम कहते हैं बीच में सोलिनॉइड बनेगा उसके बाद जाके क्रोमैटन फाइबर बनते हैं एंड देन आप उसे कहेंगे कंप्लीट गुणसूत्र जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतनी ज्यादा उसके जो नाम है वो बदलते चले जाते हैं तो दोनों ही चीजें मिलकर के न्यूक्लियोजोम बना रही है ये फर्दर क्या बनाएगी मैम क्रोमैटिन फाइबर एक क्रोमैटिन फाइबर बना फिर आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के नाम तो मैम एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है इन दोनों की बाइंडिंग हुई चलो इसका चार्ज जीरो कर देते हैं बेटा जीरो नहीं होगा कि साथ मिले तो जीरो हो गया ये तुम्हारी केमिकल रिएक्शन नहीं है यहां पर दोनों के सेपरेट चार्जेस जो है उसके साथ इनकी बाइंडिंग होकर के न्यूक्लियोजोम बन रहा है हां जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है खूबसूरत अगला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी किसने करी थी आई गेस कि हमने पढ़ा है और तुम लोग अब इसका आंसर गलत मत करना हु डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सही ये वही है जो मैम आरएनए से डीएनए उल्टा जाकर के बन जाता है ये रिवर्स कहानी जो चल रही थी किसने दी थी टेमिनोर बाल्टीमोर ने इसी वजह से इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं टेमिनिज्म ठीक है तो अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहे टेमिनिज्म कहे दोनों ही चीजें सही है एक्चुअली जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है जब आपका डीएनए क्या बना रहा होता है आरएनए बना रहा होता है और जब उल्टा कहानी चलेगी तो उसको आप कहोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दैट इज दिस किसने बनाया बाल्टीमोर ने ये हर जगह जो घूम फिर के वॉटसन और क्रिक के पास जाते हो सच में सोचते होंगे कि ये बालक नहीं सुधरेंगे अरे उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उन्होंने ये वाला जो मॉडल है ना ये यहाँ पर दिया था ये डबल हेलिक्स का मॉडल हरगोबिंद खुराना जी ने जेनेटिक कोडॉन के ऊपर काम किया बीडल और टेटम ने भी आपके कोडॉन्स के ऊपर काम किया था सो आंसर इज टेम बाल्टीमोर अगला बताइए एंथ्रेक्स नाम की बीमारी किसके द्वारा होती है एंथ्रेक्स नाम की बीमारी किसके द्वारा होती है एक बार जरा आंसर करना सभी ओके okay. फोकस कर लो यहाँ सवालों पे है ना तुम्हारी सारी बातें समझ में आती हैं और तुम्हारे हर तरीके से जो तुम लोग करते हो ना सीरियसनेस जब जिस दिन आ जाएगी उस दिन सोचोगे कि मैम शायद पहले संभल जाता तो ज्यादा अच्छा होता फिर जब एग्जाम हो जाते हैं फिर तुम्हें लगता है कि यार गलतियां हो गई हैं बेस्ट बैक्टीरियल डिसऑर्डर है वायरस से नहीं हो रहा बैक्टीरिया से होता है एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है याद रखना इसके द्वारा ये जो है यहां पर दिखाई दे रहा है किसके अंदर होता है जानवरों के अंदर ये आपका देखने को मिलता है अब कोई इंसान अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो इंसानों को भी हो जाता है बिल्कुल सही एंथ्रेक्स उसको यहां पर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाइपोकेलेमिया इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयोडीन पोटेशियम या फिर आयरन व्हाट इज हाइपोकैलेमिया कल भी आई गेस मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी हाइपोकेलेमिया क्या है एक बार जल्दी से बताओ जो अब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ना भैया है, देखो क्लास जो है वो आपकी सुबह आठ से नौ रहती है तो टाइम से आया करें सभी क्लास में